आज हम मार्केट जैसा मोज़रेला चीज़ घर पर बनाएंगे। बाहर जैसा मोज़रेला चीज़ आप भी घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हितल, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मोज़रेला चीज़ घर पर बनाने के लिए हमें फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर मैंने अमूल का जो गोल्ड दूध आता है वो लिया है, 1 लीटर दूध अभी मैंने लिया है। आप कोई भी ब्रांड का फुल फैट दूध इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपका दूध जितना फुल फैट वाला होगा आपका चीज़ उतना ही अच्छा बनेगा। दूध को हमें गर्म करना है, लेकिन ध्यान रहे कि दूध को हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, उसे सिर्फ हल्का सा गुनगुना ही गर्म करना है, जो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद दूध को हम इस तरह से छूकर चेक कर लेंगे। अभी ये हल्का सा गर्म हो चुका है, तो गैस अभी हम बंद कर देंगे। जब आप दूध को गर्म करें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अब इसके अंदर हम विनेगर डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप विनेगर लिया है। विनेगर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूध के साथ उसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। 1 लीटर दूध के अंदर हमें 1/4 कप से लेके आधे कप तक, यानी कि 1/2 कप तक विनेगर लग सकता है। विनेगर की जो क्वांटिटी है वो दूध के अंदर जितना फैट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि विनेगर का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। तो पहले हम इस तरह से थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और दूध को चलाते हुए मिक्स करेंगे। अभी मैं बाकी जो विनेगर है उसमें से थोड़ा और विनेगर इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप कांच की बोतल वाला जो विनेगर आता है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको कम लगेगी, क्योंकि वो विनेगर स्ट्रांग होता है। लेकिन प्लास्टिक की जो बड़ी बोतल के अंदर विनेगर आता है, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अब बाकी जो बचा था वो भी विनेगर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, यानी कुल मिलाकर अभी तक मैंने इसके अंदर 1/4 कप विनेगर डाला है। जब भी आप विनेगर डालें तो 3 से 4 मिनट तक दूध को इस तरह से चलाते हुए मिक्स करें। विनेगर डालने के तुरंत ही बाद दूध फटेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे तभी उसके अंदर से धीरे धीरे चीज़ अलग होता जाएगा। तो एक बार विनेगर डालने के बाद अगर दूध आपको फटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके अंदर से चीज़ आपको अलग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जल्दबाजी में दूसरा विनेगर ना डालें। अभी यहाँ पर मैंने और 1/4 कप विनेगर लिया है। मैंने अभी यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल वाला जो विनेगर आता है वो इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से फिर से उसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे विनेगर दूध के अंदर मिक्स होता जाएगा, थोड़ी देर के बाद दूध के अंदर से आपको इस तरह से चीज़ अलग होता हुआ दिखाई देगा। आपको बस सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है कि दूध आपका हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, यानी कि आप दूध को छू सके उतना ही गुनगुना गर्म होना चाहिए। अगर आपने दूध को ज़्यादा गर्म कर दिया तो दूध के अंदर से पनीर अलग हो जाएगा, यानी कि आपका चीज़ नहीं बनेगा लेकिन पनीर बन जाएगा। अब इसे हम इस तरह से बड़े से झारे के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का झारा नहीं है तो आप छलनी में या फिर कोई भी कॉटन के कपड़े के अंदर इसे निकाल सकते हैं। स्पैचुला से इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। अच्छी तरह से पानी को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ जल्दी से ख़राब हो जाता है। अब ये जो पानी बचा है आप उसका इस्तेमाल आटा गूंदने के लिए, सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए या तो फिर दाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 2 हाथों के बीच में चीज़ को इस तरह से दबाकर अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। 2 हाथों के बीच हम इस तरह से चीज़ को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि जो भी पानी इसके अंदर अभी बचा है वो निकल जाए। इस तरह से पानी को निकालने के बाद हम इसे गर्म पानी के अंदर रखेंगे। मैंने पानी को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसे हम पानी में 1 मिनट के लिए रखेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि उसके अंदर का जो पानी है उसे अच्छी तरह से दबाकर निचोड़ कर रखेंगे। ये प्रोसेस हमें 5 से 6 बार करनी है।
चीज़ को गर्म पानी के अंदर एक मिनट के लिए रखना है और फिर से उसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ऐसा करने से चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी आती है। जब हम बाहर से चीज़ लाते हैं मोज़रेला वाला, तो आप उसे जब गर्म करते हैं तो वो एक इलास्टिक की तरह बहुत ही लंबा खींचता है। ये प्रोसेस करने से चीज़ के अंदर बाहर जैसी इलास्टिसिटी डेवलप होती है। अब इसे हम एक प्लास्टिक रैप के अंदर अच्छी तरह से रैप करके फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं, जहाँ पर हम बर्फ़ को जमाते हैं। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक रैप नहीं है, तो आप कोई भी प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरह से प्लास्टिक से रैप कर देना है, ताकि वो बिल्कुल भी सूखे नहीं और अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर सेट हो जाए। तो 2 घंटे के लिए इसे हम रख देते हैं। 2 घंटे अभी हो चुके हैं, तो फ्रीज में से मैंने चीज़ को निकाल दिया है। चीज़ अभी अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप ये चीज़ को फ्रीज़र के अंदर 10 से 15 दिन तक और फ्रीज में नीचे 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसे हम एक ब्रेड के ऊपर कद्दूकस करते हैं और फिर उसे बैक करते हैं। आप पिज़्ज़ा के ऊपर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ब्रेड पर इसे ग्रेड करके बेक करके फिर बता रही हूँ। आपको बस सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है कि आप अगर ज़्यादा दिन तक ये चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसे फ्रीज़र में रखें जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं। अगर आप फ्रीज में इसे नीचे रखते हैं, तो सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही ये चीज़ अच्छा रहेगा, फिर बिगड़ जाएगा। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करती हूँ। आप चाहे तो ब्रेड के ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर चीज़ और ओरेगानो चिली फ्लेक्स डालकर बेक कर सकते हैं। अब एक नॉनस्टिक लेंगे और उसे गर्म करने के लिए रख देंगे। 1 चम्मच इसके ऊपर बटर डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोवेव में उसे बेक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसे नॉनस्टिक पे बेक कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। ऊपर हम इस तरह का एक लीड लगा देंगे, ताकि चीज हमारा जल्दी से बेक हो जाए। 4 मिनट के बाद चीज अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो उसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अगर आप 1 चम्मच यानी कि फॉक की मदद से चीज को इस तरह से ऊपर की ओर खींचेंगे, तो जैसे हम बाहर से चीज लाते हैं, वो बेक होने के बाद इस तरह से लंबा खींचता है, ये चीज भी उसी तरह से आपको खींचता हुआ दिखाई देगा। मोज़रेला चीज़ की ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।